Hi, again we are come with new video. Here Abhishek Sharma from Universal Medical Instrument Delhi. Today I am going to tell you about our multi-para monitor. Firstly, we take a look what we get with this multi-para monitor. Here you see power cable, NIBP cuff with hose pipe, temperature probe, ECG patient cable and SpO2 probe, जिसे हम saturation probe भी कहते हैं. Now we see monitor physically. On back side we have power cable connection, RJ45 connection which is used in central monitoring station, earthing cable connection and USB connection. Now I am going to make it on. For make it on, you have to press this button, on off switch. Monitor on होने के बाद, here you see we have 5 parameter, ECG, NIBP, non-invasive blood pressure जिसे हम कहते हैं, temperature, SpO2, respiration. In this monitor we get 2 temperature. Now I am going to tell you how to connect patient cable or probe with this monitor. Firstly we are going to connect SpO2 probe. Now I am going to connect ECG patient cable. Now I am going to connect NIBP cuff with hose pipe. And temperature probe. Here we get 2 temperature socket. 2 temperature ka reason yahi hai. Jab hum ise neonatal baby pe use karna jaate hain, at that time हमें 2 टेम्परेचर प्रोब चाहिए होते हैं, क्योंकि बेबी का अपर बॉडी और लोअर बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, उस टाइम पे हमें 2 प्रोब यूज करनी है. बट एडल्ट और पेडियाट्रिक पेशेंट पे हम लोग एक ही पेशेंट केबल यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई हमें इसके साथ एक ही टेम्परेचर केबल मिलेगी, टेम्परेचर प्रोब मिलेगी. राइट नाउ वी नॉट हैव अ पेशेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू पुट दिस मॉनिटर ऑन डेमो मोड. डेमो मोड में करने के लिए आपको बस जस्ट यही मेन्यू का बटन प्रेस करना है. Here you see demo. Demo पर रोटेटिंग नॉब को रोटेट करके जब आपका डेमो हाईलाइट हो जाएगा, रोटेटिंग नॉब को प्रेस करना है एंड 8008 इसका पासवर्ड है डेमो का. जब आपका कनेक्ट हो जाएगा पेशेंट से तो आपका मल्टी पैरा मॉनिटर डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखेगी. Here you see ECG ग्राफ, प्लेथ ग्राफ, रेस्पिरेशन ग्राफ, ECG, NIBP, temperature, SpO2, respiration. मैं मॉनिटर के बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो हमें चेंज करना ही करना है जब हम इस मॉनिटर को यूज करेंगे. सबसे पहला NIBP आप देख रहे हैं, ECG आपका अटैच करते ही पेशेंट पे, जैसे ही ECG अटैच करेंगे आप पेशेंट पे, आपका ECG ग्राफ और ECG हार्ट रेट आपकी वैल्यू आने लग जाएगी. NIBP आपका बटन प्रेस करने से आएगा, जब ये बटन आप प्रेस करेंगे पेशेंट पे कफ लगाने के बाद, पेशेंट के आर्म पे कफ लगाने के बाद. टेम्परेचर प्रोब जैसे ही आप अंडर आर्म या अंडर थाई पेशेंट के कनेक्ट करेंगे, टेम्परेचर प्रोब जैसे ही कनेक्ट करेंगे अंडर आर्म या अंडर थाई, क्योंकि हमारे पास ये स्किन प्रोब है, रेक्टल प्रोब भी हम यूज कर सकते हैं. SpO2 जैसे ही आप फिंगर इंसर्ट करेंगे सैचुरेशन प्रोब में आपका SpO2 आना शुरू हो जाएगा. एंड रेस्पिरेशन आपका ECG से ही आता है. तो हमारे पास 4 प्रोब्स हैं, ECG पेशेंट केबल, NIBP, NIBP कफ विद होस पाइप, टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर एंड SpO2. सभी पैरामीटर आपके जैसे ही प्लग एंड प्ले का रोल है, प्लग अटैच करेंगे आप, आपका शो होना शुरू हो जाएगा. बट NIBP के लिए आपको अगेन एंड अगेन ये बटन प्रेस करना पड़ता है. अगर आप इसे ऑटोमेटिक मोड में डालना चाहते हैं मॉनिटर को, NIBP सपोज आप चाहते हैं कि आफ्टर 5, आफ्टर 10 और आफ्टर 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली NIBP क्या है मेजर होना शुरू हो जाए, तो आपको NIBP
पहले आपको NIPP जब हाईलाइट हो जाएगा रोटेटिंग नॉब को उसे रोटेटिंग नॉब को प्रेस करना है. हे यू सी इंटरवल, इंटरवल को जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा. जिस भी टाइम के बाद आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली NIPP मेजर हो. वी हैव मैनुअल मोड ऑल्सो. अगर आप चाहते हैं कि बस जब मैं NIPP प्रेस करूँ तभी आपका NIPP मेजर हो तो आप इसे मैनुअल मोड पे करेंगे यूज. मैनुअल मोड पे यूज करेंगे तब जब भी आप बटन प्रेस करेंगे तभी आपका NIPP मेजर होगा. बट अगर आप चाहते हैं आफ्टर 5, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 15 मिनट ऑटोमेटिकली NIPP मेजर हो तो आप इसे ऑटोमेटिकली मोड पे डाल सकते हैं. ऑटोमेटिकली मोड के लिए सपोज मैंने इसे 5 मिनट्स डाल दिया है. 5 मिनट करने के बाद हमें एक बार तो इसे कमांड देनी है या NIPP बटन प्रेस करने के बाद. उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा NIPP मेजर करेगा आफ्टर 5 मिनट. हे यू सी 5 मिनट प्लीज स्टार्ट. स्टार्ट करने के लिए आपको बटन प्रेस करना है. आफ्टर दैट ये ऑटोमेटिकली NIPP मेजर करेगा आफ्टर 5 मिनट के बाद. एक आपको पेशेंट ग्रुप चेंज करना बहुत जरूरी है. सपोज आप अभी ये क्या है एडल्ट मोड पे है, मतलब एडल्ट पे आप यूज कर रहे हैं. सपोज आप न्यूनेटल पे यूज करना चाहते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, जब ये लेफ्ट हैंड वाला एरो हाईलाइट हो जाएगा इसे प्रेस करना है. हियर यू सी पेशेंट, पेशेंट यहां पे हमें पेशेंट टाइप चेंज करना है जो अभी एडल्ट है. वी हैव 3 पेशेंट ग्रुप, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल एंड एडल्ट. जब हम एडल्ट पे यूज कर रहे हैं तो हमें एडल्ट रखना है, पीडियाट्रिक यूज कर रहे हैं पीडियाट्रिक रखना है, न्यूनेटल यूज करना है तो न्यूनेटल रखना है. अभी मैं इसे एडल्ट पे ही रहने देता हूं. बाकी यहां पे आपका म्यूट का बटन है. रिकॉल, अगर आप प्रीवियस डाटा देखना चाहते हैं फ्रीज करने के लिए, ये सभी वही बटन है जो आपको यहां पे भी दे रखे हैं. एक्चुअली ये हमारा टच, जब हम इसे इसके साथ हमारा जो ऑप्शनल है टच स्क्रीन, जब हम इसे टच स्क्रीन इसके साथ कनेक्ट कर देंगे उस टाइम पे आपके ये एरो टच, जैसे ही आप टच करेंगे आपके और ऑप्शन खुल जाएंगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं NIPP फ्रीज रिकॉल पेशेंट म्यूट. बाकी ये हमारे दो, एक साइलेंट एक पॉज का बटन है, ये हमारा फ्रीज का बटन है, ये हमारा NIPP और ये हमारा प्रिंट का बटन है. जब हमारा प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट होगा उस टाइम पे ये प्रिंट कमांड देने के लिए यूज आएगा. हमारे मैंने आपको बताया था दो पैरामीटर्स में हमारे ऑप्शनल है, ETCO2 IBP और नेलकोर टेक्नोलॉजी भी इसमें हमारी ऑप्शनल है. हे यू सी, जब हम इसे अपग्रेड करना चाहेंगे ETCO2 तो ETCO2 का कनेक्टर आपका यहाँ आएगा, 2 IBP कनेक्टर यहाँ आएगा, नेलकोर आपका यहाँ पर आएगा. मॉनिटर के बारे में इतना ही. थैंक यू सो मच.